नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लाइफलाइन ही बनी जान की दुश्मन। घग्गर नदी से आ रही दुर्गंध से मोहल्लावासियों का घर में रहना मुश्किल हो चुका है। हनुमान चौक से लगते वार्डो में हालात बदतर से बदतर हो चुके हैं। दुर्गंध और गंदगी मिले पानी में बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते लगी इमरजेंसी में भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। इलाके वासियों ने घग्गर से आ रही दुर्गंध से निजात दिलाने की मांग भी की। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कभी इलाके के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली घग्गर नदी इन दिनों अभिशाप बन चुकी है। घग्गर से उठ रही दुर्गंध के कारण रतिया व आसपास के क्षेत्र में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घग्गर नदी के किनारे बसी कॉलोनियां खासकर हनुमान चौक व वार्ड 2 और 3 तथा 4 की हालत बदतर है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। घग्गर नदी में बहकर आ रहा फैक्ट्रियों का अवशेष और केमिकल युक्त पानी जीवन नारकीय बना चुका है। लोगों का कहना है कि यहाँ गंदगी और बदबू की लोगों के घरों तक आ रही है और इसी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते। बच्चों की हालत तो इससे भी बुरी है। इलाके के लोगों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन को इस तरह से आवाज उठाने के लिए कह चुके हैं, मगर घग्गर अब केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है, ना इसका कोई ठोस समाधान किया जा रहा है। रतिया के लोगों का कहना है कि घग्गर में केमिकल से भरा हुआ पानी लगातार आ रहा है, जिसके कारण रतिया में बड़े पैमानों पर हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक रोग भी फैल रहे हैं। इसके कारण रतिया में बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा बीमारी से भी और उसकी चपेट में आ चुके हैं, मगर बावजूद इसके शासन और प्रशासन घग्गर को साफ करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। रतिया के लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण हाई अलर्ट होने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट। घग्गर नदी का हमें इतिहासकारों से पता चला है कि ये घग्गर नदी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 4 स्टेटों से होकर गुजरती है, और इतिहासकारों ने यहाँ तक बताया कि जो ये घग्गर नदी है इसके ऊपर कभी बैसाखी के मेले लगा करते थे। लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 13 अप्रैल को जो बैसाखी मनाई जाती है उसके विरासत को जिंदा कर रखने के लिए इस पर नाच गाने मेले लगा करते थे। और इसके अलावा इस नदी पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र लिखे हैं वो इसी नदी के किनारे बैठकर लिखे गए थे। और इसके अलावा जो तैमूरलंग यहाँ से मुगल शासक यहाँ से ही गुजरा था, तैमूरलंग इसी नदी से पार करके वो गया, तो अगर वो इस इतिहास के माध्यम से ये देखे तो बहुत बड़ी नदी, ये बहुत बढ़िया नदी थी और बहुत ही बड़ी हिंदुस्तान की नदी थी। और 4 स्टेटों के लोग यहाँ का पानी यूज करते थे, वो पीने के लिए शादी विवाह के अंदर इसका मिठाई बनाने के लिए पानी यूज करते थे। और यहाँ हमारे टीचर थे, उन्होंने भी बताया भी कभी ये पानी हम नहाने के लिए यूज करते थे, पीने के लिए यूज करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारी संस्थाओं ने, और सबसे ज़्यादा जो आंदोलन किया है शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, जो पूरे देश की सभा है, उसने बहुत आंदोलन चलाए, और उसके साथ हमने भी इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देहाती मजदूर सभा, किसान संघर्ष समिति पिछले कई सालों से लगातार से आंदोलन चला रहे हैं। और इसके अलावा SDM कोर्ट के सामने भी इस घग्गर नदी को लेकर आंदोलन चले, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी बहुत सारे लीडर आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे इनेलो के थे, चाहे वो BJP के पार्टी, जितने भी नेता आए हर बार ये कहते थे हम नदी को साफ सुथरा करने के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने ना कोई पार्लियामेंट के अंदर और ना ही विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। पिछले दिनों नापा साहब भी विधानसभा में बोले थे, सिर्फ वो अपनी सरकार की वो पॉलिसी गिनाते रहे, लेकिन घग्गर नदी के बारे में एक शब्द तक नहीं उन्होंने बोला। आगे क्या रणनीति तो इसके लिए रणनीति तो ये है कि टीमें आती हैं जाती हैं। पिछले 15 साल से देख रहे हैं हम NGT की टीमें, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून न्यू दिल्ली इंडिया जो बना हुआ है उसकी टीमें भी आई, चंडीगढ़ से CM फ्लाइंग की टीमें आई, और पिछले 15 सालों से हम ये देख रहे हैं भी टीम आती और चली जाती है। सवाल तो ये है यहाँ के जो लोग हैं ये कह रहे हैं भी इसके नीचे से पाइप दबाई जाए और गंदा पानी जो अपने आप साफ निकल जाए।
अब जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसी की बदबू पूरे रतिया शहर को लिख रही है। और रतिया शहर का तो आपने पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि रतिया शहर के और आसपास के लोगों का कोई खून जो रक्तदान कैंप है वो उसमें खून नहीं लेता, उनको रिजेक्ट कर दिया। अगर आगे का ये है भी नौजवान सभा जो इसके अलावा देहाती मजदूर सभा, किसान संघर्ष समिति और रतिया के बहुत सारे संगठन हैं, और अगर नौजवान सभा इसकी आगे बढ़ के आगे इसकी अगुवाई करती है तो हम बढ़ चढ़कर इसका साथ देंगे, बढ़ चढ़कर और इसका आंदोलन जो इसके लिए नौजवान सभा आंदोलन करेगी उस आंदोलन को हम तन मन धन से समर्थन देंगे। गंगर नदी बहुत बड़ी समस्या है, ये जेनुइन समस्या है, जेड़ा जो इसमें पानी आता है पीछे से, इसके ऊपर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं बड़े लोगों की, या राजनीतिक के अंदर जो लोग हैं उनके नज़दीकी लोगों की फैक्ट्री हैं इसके ऊपर लगी हुई, और वो जो अपना पोल्यूशन है सारा, और पानी भी और जितना भी गंदा मटेरियल है वो सारा इसके अंदर डाल देते हैं, और इसका पानी इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया कि जो इसके ऊपर लोग रह रहे हैं, जिस सिटी से जगह घर गाँवों से सिटी से गुजरता है वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, और जो ग्राउंड का पानी है नीचे का वो भी पीने लायक नहीं रहा। इसके ऊपर एनजीटी जो हमारे देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने भी इसके ऊपर इसके पानी के सैंपल लिए और इसके ऊपर अपने संकेतिक बोर्ड लगाए हैं घग्गर के ऊपर दोनों साइड, कि जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं या पानी का कोई भी सोर्स है धरती से निकालने वाला वो पानी पीने के योग्य नहीं है, ये एनजीटी महकमे वाले बोल रहे हैं। और सरकार इसके बाद भी जो चुप है, इसके ऊपर कोई सफाई के लिए काम नहीं कर रही, और जितने भी हमारे रतिया की बात करें तो लोकल जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं पक्ष में और विपक्ष में, वो अपनी राजनीति शुरू तो यहीं से करते हैं कि हम इसको साफ करवाएंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, परंतु अभी तक कोई इसके ऊपर रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिला। अपनी वोटों के लिए इसको मुद्दे को यूज़ करते हैं और उसके बाद लोगों को भूल जाते हैं, लोग का हेपेटाइटिस सी, कैंसर और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से घग्गर के कारण मर रहे हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं लोग जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी बहुत इसका असर पड़ रहा है, और जो इसके ऊपर रह रहे हैं लोग, एक तो स्मेल के कारण इसकी बदबू इतनी गंदी है कि लोगों का रात को सोना मुश्किल हो जाता है जब हवा इस साइड चलती है, शहर वाली साइड चलती है, और जितने भी राजनीतिक लीडर हैं अब वो सब इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में पा चुके हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने आलीशान बंगलों में आराम से सो रहे हैं, और आम जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है। कोई भी इन फैक्ट्रियों के खिलाफ ना तो बोलता है, ना उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोई बात कहता है, और लोगों ने कई बार आंदोलन भी किए हैं और अपनी बात भी रखी है, जितनी इतनी लोगों की शक्ति है उसके अनुसार लोगों ने इसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, परंतु अभी तक किसी भी राजनीतिक लीडर ने इसके ऊपर कोई अच्छे से काम नहीं किया। हमारी सभा द्वारा हम 28 सितंबर को घग्गर के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, और ये जो 28 मार्च को ये जो मार्च का महीना है इसके अंदर हमारे देश के 3 जवानों ने फांसी का रस्सा चूमा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके शहादत दिवस के ऊपर हम लोगों को चेतन करने का काम करेंगे, और शहर में मिसाल मार्च भी निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर लोग इकट्ठे होकर एक बड़ा जन आंदोलन सड़कों के ऊपर हो, और उसके बाद 28 मार्च को हम हनुमान चौक के अंदर शहीद भगत सिंह के जीवन के ऊपर नाटक खेलने के लिए एक टीम बुलाई है जो पटियाला से है, पीपल आर्ट्स पटियाला, जो उसके ऊपर नाटक खेलेंगे और नाटक के माध्यम से लोगों को इसके घग्गर के मुद्दे के बारे और लोकल समस्याओं के ऊपर लोगों को जागरूक करेंगे, और लोग को इकट्ठा करके शहीद भगत सिंह नौजवान सभा सड़कों पर लेकर आएगी इस मुद्दे को हल करवाने के लिए। ये घग्गर नदी की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसी के कारण यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये समस्या प्रशासन को जल्द से जल्द इसके बारे में जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, और हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि इसका समाधान अगर ना हुआ तो यहाँ बीमारियाँ भी फैलेंगी, और ऐसी
बीमारियां फैलने का खतरा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अभी भी बच्चों को, घर वालों को बैठने में, सुनने में, यहाँ खड़े होने में इतनी दिक्कत हो रही है। अभी भी इतनी स्मेल आ रही है इस पानी की, गंदे पानी की, फैक्ट्रियों के पानी की। प्रशासन को इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज क्या है, जो नाली के समीप घर बस रहे हैं उन बंदों को घर में बैठकर रोटी खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है। इतनी गंदी स्मेल है, इससे बच्चे, बूढ़े, औरतें, भाई बहनें सब परेशान हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे और इस स्मेल, दुर्गंध से जल्द शहरवासियों को, लोगों को निजात मिले और इस गग्गर नदी के किनारे बसने वाले लोग इससे राहत महसूस करें। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द समाधान निकालें इस चीज़ का। यहाँ हमारे एक सभा है, भगजवान नौजवान सभा, उन बंदों ने गग्गर नदी को साफ करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रयास किए हैं और करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। उन बंदों का आज तक, उनको कोई जितने प्रयास कर रहे हैं वो हमें नहीं लग रहा भी वो आज तक कामयाब हो चुके हैं। जब इसका समाधान होएगा तब हम मानेंगे भी इस चीज़ को। वो लोगों की मेहनत रंग लाई है। जो सांसद है उसने बड़े अच्छे तरीके से ये मुद्दा उठाया है, लेकिन इस मुद्दे पर वो कहाँ तक कार्रवाई कर सके हैं वो उनको पता है। लेकिन जनता तो उनसे उम्मीद करती है कि ये जल्द से जल्द इस नाल बीमार जल्द से जल्द करवाया जाए और इस जो घग्गर नदी की समस्या है इसको